IVF गारंटी करता है 100% सक्सेस। सुनने में ये कितना प्लीजिंग लगता है ना। बहुत सारे लोगों की ये सोच है, बहुत सारे IVF सेंटर भी ये क्लेम करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो मैं आज आपकी फर्टिलिटी सहेली इसी टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे कपल्स ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने आज अपनी IVF जर्नी स्टार्ट करी और 2 to 3 months में ही वो अपनी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली IVF 100% सक्सेस गारंटी नहीं करता है। IVF सक्सेस के में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, और कोई भी अगर आपको 100% गारंटी की ये स्टेटमेंट देता है तो प्लीज़ बी केयरफुल। सबसे पहला फैक्टर होता है विमेन की एज। 22 से 36 साल के बीच में सक्सेस के चांसेस जहां 50 से 70% होते हैं, वहीं 35 के बाद ही सक्सेस के चांसेस कम होने लगते हैं। 35 के बाद हर एक बढ़ते साल में सक्सेस के चांसेस 10 से 11% हर साल कम होने लगते हैं। 35 के बाद मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 या 40 के बाद IVF पॉसिबल नहीं है। साइंस की मदद से IVF की दुनिया में आज हर प्रयास किया जा रहा है सक्सेस रेट को बढ़ाने का। 40 के बाद जहां सेल्फ एग से सक्सेस रेट जो है 20 से 30% होता है, वहीं डोनर एग से ये चांसेस 50% से ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर होता है एग क्वालिटी। एग क्वालिटी एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का सक्सेस स्ट्रॉन्गली इंटररिलेटेड है। जितने अच्छे आपके एग्स होंगे, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या IVF सक्सेस उतना ही बढ़ जाता है। अगर लेबोरेटरी में एम्ब्रियो हेल्दी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लांटेशन या आपके IVF के सक्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जितना हेल्दी और यंग ये एग होता होगा, उतने ही IVF के इम्प्लांटेशन के चांसेस, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस अच्छे होंगे। तीसरा फैक्टर होता है कि आप अपना डॉक्टर और IVF सेंटर सही से चुनें। जब भी अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का डिसीजन ले, तो डॉक्टर का प्रोफाइल एक्सपीरियंस चेक करने के साथ साथ लाइव बर्थ रेट भी चेक करें कि कितने बच्चे IVF के थ्रू उस सेंटर पे पैदा हुए, ना कि सिर्फ प्रेगनेंसी रेट। प्री इम्प्लांटेशन चौथा है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट अपनाएं। अपनी IVF जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट अपनाएं। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट हेल्थियर एम्ब्रियो पिक करने में हमारी हेल्प करता है। बर्थ डिफेक्ट्स या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स पहले से ही पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इम्प्लांटेशन के चांसेस बेटर हो जाते हैं। इसलिए बहुत एडवांस सेंटर्स पे ये फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल है, सो इसलिए अपने डॉक्टर से बात करिए। कंसीडर द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज यू ट्रांसफ़र। ये स्टडीज़ के थ्रू प्रूवन है कि 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आपके सक्सेस के रेट, आपके हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। 1 एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करने से सक्सेस रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से बात करिए और कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर्स आपके लिए हेल्दी रहेंगे ये आप जानिए। अब जानते हैं कि IVF सक्सेस रेट नेचुरली कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे एग फॉलिकल्स को या एग के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको, इससे दूर रहना चाहिए। स्पर्म की क्वालिटी को भी ये डिक्लाइन करता है। अपने न्यूट्रिशन इनटेक्स के बारे में सोचिए, जानिए। अगर आपको हीमोग्लोबिन डिफिशेंसी है तो प्लीज़ सप्लीमेंट्स लीजिए। गो टू योर हैप्पी प्लेस एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री। माइल्ड योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बिलो BMI बिलो 30 रखिए। ओवरवेट होंगे तो सक्सेस के रेट चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ओवरवेट है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए, एंड गो फॉर दी हेल्दी लाइफस्टाइल्स। सही डॉक्टर चुनिए, सही सेंटर चुनिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है सही डॉक्टर और सही सेंटर चुनना, जहाँ पे कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और आपको सही सलाह मिल सके। विटामिन डी का इंटेक एडिक्वेट है कि नहीं ये भी चेक करते रहिए। घबराइए नहीं, IVF प्रोसेस चाहे कितना भी इमोशनली यू नो चैलेंजिंग लगे, IVF जर्नी कितने और सक्सेस रेट, ये सब फैक्टर्स कितने भी स्कैरी लगे, ये सब वर्थ है उस एक खुशी के लिए जो आपका वेट कर रही है। ये सब चीज़ें मायने भी नहीं रखेगी जब आपका बच्चा आंखें खोल के आपको देखेगा पहली बार। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।